इस एग्जिट पोल से थोड़ी थोड़ी एज यानी महागठबंधन की नजर आ रही है, तेजस्वी यादव की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, आरजेडी को ज्यादा सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं बीजेपी और जेडीयू के बनिस्पत। ये कैसे होने जा रहा है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जरा मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर ये एग्जिट पोल है किसका। एग्जिट पोल ये जो है ये पीपल्स पल्स है, जो जिसने पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ग्रुप पीएसजी के साथ मिलकर ये एग्जिट पोल किया है। और ये कंपनी के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, ये एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्राउंड रिसर्च करती है और साथ ही एग्जिट पोल्स भी करती है। हैदराबाद बेस्ड ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो एग्जिट पोल है उसमें आरजेडी को 85 से 95 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं बीजेपी को 65 से 75 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। और जेडीयू नीतीश कुमार की जेडीयू आप देख लीजिए 15 साल के शासन के बाद 25 से 35 ही सीट मिलती हुई नजर आ रही है बस। कांग्रेस की 15 से 20 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। एलजेपी चिराग पासवान वाली जिन्होंने स्पॉइलर का काम किया है इसमें 3 से 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। लेफ्ट पार्टीज को 3 से 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। और वहीं जेडीएसएफ और इंडिपेंडेंट जितने हैं वो 5 से 13 सीटें ले सकते हैं। तो इसमें आप अगर देखें तो प्लस और माइनस आप मार्जिन कर सकते हैं 3% का इनके आधार पर। तो अभी आरजेडी की जो है मैक्सिमम सीटें 120 मिलती नजर आ रही हैं, मिनिमम 103। जो एनडीए की जो सीटें हैं वो एक साथ मिनिमम 90 और मैक्सिमम 110 मिलती हुई नजर आ रही हैं। अब यहां पर आप ये देखिए कि 61 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इन्होंने ये पोल किया है जिसमें 305 पोलिंग स्टेशंस शामिल थे और हर वर्ग के लोगों से पूछा गया, दोनों ही जेंडर के लोगों से पूछा गया। जब पॉपुलर सीएम पूछा गया कि आपकी नजर में सबसे पॉपुलर सीएम कौन होगा, तो उसमें तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बनिस्पत 2% आगे चल रहे हैं, यानी तेजस्वी यादव के लिए 36% लोगों ने कहा कि वो उनकी नजर में सीएम बनना चाहिए। और वहीं नीतीश कुमार के लिए 34% लोगों ने कहा कि वो पॉपुलर सीएम है यानी उनको सीएम बनना चाहिए। किन मुद्दों ने सबसे ज्यादा इसमें लोगों से बात करते हुए जब सर्वे हुआ तो किन मुद्दों पर ज्यादा ये चुनाव छाए रहे, देखिएगा उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये इस तरफ पलटते हुए क्यों नजर आ रहे हैं। एक महीने पहले तक जिस तरह की स्थिति दिखाई दे रही थी वो आपको पता ही है, खैर न्यूज चैनल्स पर किस तरह की पोल्स किए जाते हैं, ओपिनियन पोल होते हैं जो भी इलेक्शन से पहले वाले होते हैं, लेकिन जो स्थिति उनके आधार पर भी दिखाई दे रही थी वो ऐसी ही हो रही थी कि नीतीश कुमार शायद और अपने लिए इलेक्शन ठीक कर लेंगे और दोबारा से उनकी सरकार आ जाएगी। लेकिन कौन से मुद्दे हैं जो सबसे ज्यादा छाए रहे लोगों के बीच में? बेरोजगारी, बेरोजगारी पर ही लगातार, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे सीपीआई, मतलब पूरा महागठबंधन जो था वो बेरोजगारी पर लोगों की नब्ज टटोल चुका था और इसी पर अपना चुनाव का प्रचार केंद्रित रखे हुए था। आपने हर जगह तेजस्वी यादव हो, कन्हैया कुमार हो, सारे पार्टीज के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हो उनको बेरोजगारी पर बोलते हुए देखा होगा। तेजस्वी यादव ने भी जो 10 लाख नौकरियों का प्रॉमिस किया था वो भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए कहा था। तो शायद ये नब्ज पकड़ ली क्योंकि बेरोजगारी मुद्दा इस चुनाव का था, वो 31% लोग मान रहे हैं। वहीं महंगाई जो इशू है वो कम से कम 28% लोगों का था। पलायन जैसा मुद्दा जो शायद लग रहा होगा बीजेपी को कि ये इशू नहीं हो सकता, खैर बीजेपी उसमें थोड़ा बेहतर ही कर रही है जेडीयू से यहाँ पर, लेकिन बीजेपी ने शायद नहीं सोचा था पलायन जैसा मुद्दा 19% लोग हामी भर रहे हैं कि हाँ ये मुद्दा है, पलायन उनके लिए मुद्दा था। बाढ़, बाढ़ जैसा मुद्दा 12% लोगों के लिए था। एमएसपी, किसानों की एमएसपी को लेकर जो इश्यू है, किसानों की बात आपने नहीं देखी होगी न्यूज चैनल्स पर होते हुए, कभी भी डिबेट का इश्यू नहीं देखा होगा, लेकिन लोगों के लिए यह मुद्दा था। और कितने लोगों के लिए? 9% लोगों के लिए। और जो दूसरे इशू थे, अदर इश्यूज, अब उन अदर इश्यूज में समझ जाइएगा, हिंदू मुस्लिम मंदिर कब्रिस्तान शमशान लव जिहाद, ये सब सिर्फ 1%, समझ रहे हैं आप। लोगों के लिए असली मुद्दा जो है वो आजकल आपको मेनस्ट्रीम दिखाई नहीं देता है, लेकिन असली मुद्दे पर लोग वोट करना चाहते हैं। तो ये एग्जिट पोल के नतीजे जो मैंने आपको बताया इनके आधार पर हैं, जो दोबारा बता देती हूँ, पीपल्स पल्स प्लस पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ग्रुप है पीएसजी का, ये एक अलग तरह का एग्जिट पोल आपके सामने रख रहा है जिसके हिसाब से वो ये भी कह रहा है कि अगर अंडरकरंट और ज्यादा स्ट्रांग रहा होगा तो महागठबंधन की ये जो सरकार बनती दिख रही है ये और भी ज्यादा बड़े मार्जिन से बनती हुई दिखाई दे सकती है। यानी वो ये कह रहे हैं स्लाइट एज से और ज्यादा एज का मार्जिन बड़ा हो सकता है। इसमें किसने स्पॉइलर का काम किया जो पहले से माना जा रहा था, यहां पर पॉलिटिकल एनालिस्ट सब ठीक थे, चिराग पासवान ने
एक स्पॉइलर की तरह काम किया है। और वहीं वो ये भी कहते हैं कि आरजेडी के लिए कांग्रेस और लेफ्ट जो थी वो थोड़ा बर्डन की तरह काम करके गई है। तो ये है आज का एग्जिट पोल मेरी तरफ से आपके लिए। बिहार इलेक्शन में आपके सामने जितनी खबरें ला सकती थी वो आपके लिए लेकर आई। अब ये एग्जिट पोल देखना होगा कितना सही साबित होता है बस कुछ ही घंटों में।